दिल्ली का रुख करते हैं, जहां पर आज से एक बार फिर डीडी का बुलडोजर गरजता नजर आ सकता है। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के स्पेशल टास्क फोर्स के दिशा निर्देश पर आज से फिर कार्रवाई शुरू की जाएगी। डीडीए, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आज से अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई शुरू करेंगे। डीडीए ने अवैध निर्माणों को चिन्हित किया है। कार्रवाई के लिए 375 अवैध निर्माण और अतिक्रमणों को ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित किया है। तो पिछले दिनों भी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली थी और अब एक बार फिर से उन इलाकों को चिन्हित कर लिया गया है जहां पर अवैध अतिक्रमण हुआ है और आज बुलडोजर चल सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके आदित्य प्रताप सिंह। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि एमसीडी की कार्रवाई हुई थी, अतिक्रमण हटाया गया था और आज फिर से देखिए बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक बड़े आदेश के बाद और जिस तरीके से G20 की तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो तीनों निगम हैं वो इस समय सजग रूप से काम कर रही हैं, जिसमें डीडीए, एमसीडी और जो प्राधिकरण है वो लगातार इस चीज पे काम कर रहे थे कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बना के कहीं ना कहीं उन इलाकों को चिन्हित किया जाए जहां पर अवैध अतिक्रमण है। ऐसे लगभग 375 इलाके, 375 जगहें जो है वो चिन्हित की गई है जहां पर अवैध अतिक्रमण है और उसमें यह भी तय किया गया है कि कौन सा हिस्सा जो है वो डीडीए के पास है या एमसीडी के पास है या इसके अलावा कोई और अथॉरिटी उसमें अटैच्ड है। इसमें एएसआई का भी एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जो दिल्ली मेहरोली डिमोलिशन इससे पहले हुआ था वहां पर भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिली थी। सबसे ज्यादा अतिक्रमण अगर कहीं पर है तो वो दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के इलाके हैं जिन इलाकों को चिन्हित किया गया है। 2 दर्जन से अधिक इलाके मार्क किए गए हैं जहां पर अतिक्रमण हटाया जाना है और बड़ी बात यह है कि ये बड़ी कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं कोर्ट के, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई कुछ दिनों के लिए रुकी थी, लेकिन फिर से एक बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी और इस बार जहां आवश्यकता होगी वहां पर बुलडोजर भी चलेगा, जहां पर कमेटियों के द्वारा हटाया जा सकता है वहां पर कमेटियों के द्वारा हटाया जाएगा और इस समय जो अथॉरिटीज़ हैं वो लगातार पुलिस फोर्स की मांग कर रही है और पुलिस फोर्स की मांग पूरी होते ही कहीं ना कहीं डिमोलिशन की कार्रवाई दिल्ली में एक बार फिर से देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल आदित्य, और देखिए 375 यहां पर बताए जा रहे हैं जो अवैध निर्माण हैं और जिन्हें चिन्हित यहां पर किया गया है, काफी ज्यादा संख्या है और ऐसे में वक्त काफी लग सकता है, तो क्या माना जाए कि ये कार्रवाई कितने दिनों तक चलती हुई नजर आ सकती है? देखिए पहले ही जब डीडीए का एक नोटिफिकेशन आया था उस समय ये कहा गया था कि 9 मार्च तक लगातार कार्रवाई चलेगी। अभी तक कोई आइडेंटिफाइड डेट नहीं दी गई है डीडीए या एमसीडी की ओर से, लेकिन हाँ अब ये तय है कि ये जो 375 अवैध निर्माण हैं इनको खत्म किया जाएगा। कार्रवाई कितने दिन में पूरी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो मुश्किल है इस अतिक्रमण हटाने के अभियान को विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार सहयोग बना के रखे। जैसे जैसे दिल्ली पुलिस का सहयोग अथॉरिटीज़ को मिलता जाएगा वैसे वैसे कहीं ना करके ये जो पूरी प्रक्रिया है ये पूर्ण होगी। और उसके अलावा जिस तरीके से ये जो प्लेसेस मार्क किए गए हैं, जो स्थान चिन्हित किए गए हैं, उन स्थानों को देखते हुए लगता है कि वाकई में एक बड़ा विरोध भी देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं ये एक लंबे समय लेने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें से कई इलाके हैं और लगातार जी मीडिया इस चीज़ को दिखाता रहा किस तरीके से पहले भी इन अवैध अतिक्रमण वाले इलाकों में लोगों ने हंगामा करने का प्रयास किया, वहां की भीड़ उग्र हुई, तो कहीं ना कहीं ये एक लगभग एक महीने का समय है जहां पर ये अतिक्रमण हटाया जाएगा और सारी अथॉरिटीज़, चाहे वो डीडीए हो, एमसीडी हो, सारी अथॉरिटीज मिलके इस बार अतिक्रमण हटाने का काम करेंगी। जी बिल्कुल, और जाहिर तौर पर देखिए आदित्य, हर बार जब भी कार्रवाई होती है तो विरोध प्रदर्शन तो होता ही है, लोग विरोध करते हैं, कई बार तो ये भी होता है कि लोग स्थान को खाली नहीं करते, घर को खाली नहीं करते हैं। क्या पहले यहाँ पर लोगों को नोटिस दे दिया गया है, लोगों ने घर खाली कर दिए हैं या वो जगह खाली कर दी है जहाँ पर ये कार्रवाई होनी है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है उन कार्रवाइयों पे पहले भी नोटिस दे दिए गए थे और इसके अलावा जानकारी के लिए ये जानना दर्शकों के लिए बहुत आवश्यक है कि कहीं ना कहीं जिन जगहों पर कार्रवाई हो रही है वो या तो कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हो रही है या उन जगहों पर अथॉरिटीज़ के द्वारा नोटिस जा चुका है और नोटिस के जो सस्पेंशन का समय है वो भी खत्म हो चुका है। अगर 15 दिन की नोटिस दी गई, 20 दिन की नोटिस दी गई, 3 महीने की नोटिस दी गई तो वो समय भी निकल चुका है। इसके बाद
क्योंकि कहीं भी कोई भी अथॉरिटी जो है वो अपने ऊपर सवाल या निशान नहीं लगवाना चाहती, तो नोटिस के बाद की ही ये प्रक्रिया होती है। और जिस तरीके से मार्क एक चिन्हित जगह है, तो कहीं ना कहीं तैयारी पहले से रही होगी और नोटिस भी दिया गया था और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आदित्य, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।